बड़ी वाली हंसी सबको छुपाने का नकाब था ये। तुम कुछ बनोगे रोज रोज कंधे पे मेरे बोझ बोझ तकलीफे मुझे नोच नोच के खारी है। मेहनत के गाड़ी पे तेरा भाई एक सवारी है। हार ना मानूंगा छोटे कोशिश मेरी जारी है। हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई लोग कैसे हो? सो भाई लोग यार आज की इस वाली वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल लाइट के 0.17.0 के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है PUBG मोबाइल लाइट की 0.17.0 का जो अपडेट है वो आ चुका है। बट गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड कहाँ से करोगे एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आया है। मैं आज की इस वीडियो में ये नहीं डिस्कशन करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा अभी तक, जिस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम तक गाइज आप सभी लोगों के पास ये वाला अपडेट आ चुका होगा। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत इच नहीं है कि आप लोग इसको डाउनलोड कहाँ से कर पाओगे। सो गाइज आज की इस वीडियो में होने क्या वाला है दोस्तों, यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 0.17.0 के एक सीक्रेट आइलैंड के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है PUBG मोबाइल लाइट के बीटा वर्जन में एक सीक्रेट आइलैंड आया था। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बीटा वर्जन में आता है और जो रियल वर्जन में आता है ग्लोबल वर्जन में, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही एक्सप्लोर करने वाले हैं और उस वाले आइलैंड पे फिर से हम लोग जाने वाले हैं और देखने वाले हैं उस वाले आइलैंड पे क्या कुछ न्यू हम लोगों को चीज़ देखने को मिला है। ओके, और गाइस हम लोग ये भी डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोग ये भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो बीटा वर्जन है उसमें गाइस हेलीकॉप्टर, जी हाँ दोस्तों हेलीकॉप्टर लेके हम लोग उस वाले आइलैंड पे नहीं जा पाते थे। बट गाइस हम लोग देखेंगे कि इस वाले ग्लोबल वर्जन हम लोग हेलीकॉप्टर लेके उस वाले आइलैंड पे जो सीक्रेट आइलैंड है वहां पर हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हां, आज की इस वीडियो में आप लोग ऐसे ऐसे सीक्रेट चीजों के बारे में जान पाओगे जो कि देखने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, खूब भालो, प्रचंड बाबा। क्या होता बंगला में? प्रचुर भालो। क्या वीडियो है यार। सो गाइस एज यू कैन सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं हमारे मिशन पे एंड जो हमारा मिशन है वो है गाइस वो सीक्रेट आइलैंड। रोहित कुछ ऐसा सॉन्ग लगा जो कि भाई कतई लगे कि हम लोग एडवेंचर करने जा रहे हैं, ठीक है लगा दे। सो गाइज हम लोग उतर चुके थे प्लेन के अंदर से। एंड गाइज आज की इस वीडियो का जो लाइक है ना वो है गाइज 5000 लाइक एम। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी के अभी जाओ लाइक एम को कंप्लीट कर डालो यार, दिल को सुकून मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज मैं उतरा था और ये देख सकते मेरे साथ एक दोस्त खेल रहा है, तो मैं और ये उतरा था यहाँ पर एंड यहाँ से लेंगे हम लोग हेलीकॉप्टर एंड सीधे जाएंगे उस वाले सीक्रेट आइलैंड के अंदर। तो चलो अब गाइस यार मैं उतर तो चुका था बट वो थोड़ा सा लेट उठ रहा था, उसको मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी चढ़ एंड निकलते हैं आइलैंड के अंदर। सो गाइस हम लोग निकल चुके थे उस वाले आइलैंड के अंदर एंड जाते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा एंड करते हैं एक्सप्लोर। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है इस आइलैंड के अंदर जोन नहीं बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है यार हम लोगों को यहाँ पर जोन का सामना करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोगों को हेल्थ भी मिल जाएगा, सो ऑब्वियस ही बात है हेल्थ लगा के जाएंगे। अब गाइस शुरू हो जाता है हमारा मिशन एंड एक्सप्लोर। सो देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड पहले तो मुझे एक गन मिला जो कि अराउंड, क्या गन है आई डोंट नो, मुझे इसका नाम नहीं पता, कुछ न्यू गन आया है
शायद। सो यहाँ पर मैं आ गया इस वाले घर के अंदर, यहाँ पर मेरे को मिल गया एक यम आई मीन जो हमारा फर्स्ट एड किट होता है वो मिल गया, और लेवल 2 का बैग, यहाँ पर लेवल 3 का है बैकपैक ही हम लोगों को देखने को मिल चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो एक और बैकपैक लेवल 3 का। आपके बहुत कम कैसे हो गया, मेरे तो बहुत है अभी। सो यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगा, और ये जो घर है इस घर का जो सारा जगह है एक एक कोना छान मारा मैंने एंड सब कुछ देख लिया मैंने। और यहाँ पर देख सकते हो ये एक न्यू गन है जो कि हमारा मशीन गन है, जी हाँ दोस्तों। सो यहाँ पर हमसे निकल गए इस वाले घर के अंदर और देखेंगे कि वहाँ पर हम लोगों को क्या कुछ न्यू चीज़ देखने को मिल जाता है। तो चलो यहाँ से जो हमारा ऑलमोस्ट जो लूटिंग था वो कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो अब जाते हैं जोन के अंदर। तो मैंने इसको बोला कि चल बैठ एंड निकलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, हो सकते हैं शायद। सो गाइस अब ना यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस वाले आइलैंड पे आते हो तो हेलीकॉप्टर लेके ही आना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट आता है और आप लोगों को ज़्यादातर मतलब जो होता है कि जो बोट लेकर अगर आप लोग जाते हो तो उसमें एक तकलीफ होता है, वो होता है फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है उस पर, बट गाइस हेलीकॉप्टर से आप लोगों को फ्यूल का कोई मतलब झंझट ही नहीं होगा, आप लोग ईजिली आ पाओगे। सो गाइज उसके बाद में आ गया थर्ड हिल पे एंड यहाँ पर थोड़ा सा लूटिंग वगैरह करेंगे एंड यहाँ पर बंदे भी थे तो चलो बंदों को निपटाते हैं। यहाँ पे कोई है भी नहीं, शायद दिख नहीं रहा कोई। कुदू तो यहाँ पर से मैंने हेलीकॉप्टर को आराम से लैंडिंग कर दिया एंड यहाँ से मेरे को स्कारल मिल चुका था। सो स्कारल ऑब्वियस बात है एक ऑटो गन मुझे चाहिए था, और यहाँ पर देख सकते हो एक जो है ना क्या बोलते हैं उसको तोप बोलते शायद, मशीन गन तो ये नहीं है, तोप ही है। ओके सो ये मेरे को मिल चुका था। सो यहाँ पर मेरे को एक दो तीन बंदे दिख चुके थे, चलो उसको निपटाते हैं बंदों को। मुझे तो पता भी नहीं क्या है वो। सो यहाँ पर दो दो बंदे थे तो दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया मैंने एंड यहाँ से मैंने किल भी अपना ले लिया एंड यहाँ से मेरे को 6x मिल चुका था, जो कि मुझे लगाना तो कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि इस पेलोड मोड पे कहाँ मैं 6x लगाऊंगा एंड कहाँ मैं स्नाइपिंग करूँगा। सो यहाँ पर से मेरे को कार 98 मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि नहीं कार 98 ज़रूरी है। सो यहाँ पर से मेरे को मेडिकेट भी मिल जाता है, तो यहाँ से मैंने मेडिकेट भी ले लिया इजीली। उसके बाद गाइज ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से निपटते हैं एंड निकल जाते हैं एंड यहाँ से थोड़ा सा लूटिंग वगैरह कर लिया। इस कारल का जो एमोज था वो मेरे पास बहुत ज़्यादा कम था, तो मैंने सोचा कि चलो उस कारल का एमोज वगैरह थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं। तभी गाइस यहाँ पर मेरे को एक हेलीकॉप्टर दिख गया जिस पे मैंने फायरिंग भी किया, बट गाइस ये लगने वाला तो था भी नहीं क्योंकि मेरे पास कारल था और इस कारल से हेलीकॉप्टर थोड़ी ना फूटेगा। उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि बहुत हुआ अब सीधे जाते हैं हेलीकॉप्टर लेते हैं एंड यहाँ से भ
भाग जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि आजा चढ़ जा जल्दी एंड निकलते हैं। और देख सकते हो जैसे कि हमारा हेलीकॉप्टर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो फिर भी मैंने रिक्स लिया और यहाँ से निकल गया। फुट नहीं जाएगा ये। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था गाइज ये सुपर एयर ड्रॉप। एंड यहाँ पर मैं आ चुका था सुपर एयर ड्रॉप पे एंड यहाँ पर बंदे भी बहुत सारे आएंगे, तो तुम लोग देखो एंड देखो कैसे मैं निपटाता हूँ बंदों को। सो यहाँ पर मैं आने के बाद जो सुपर एयर ड्रॉप है वो 1-2 मिनट के बाद ओपन होता है। ओके, तो आप लोगों को वेट करना पड़ता है और तभी गाइज यहाँ पर बहुत सारे बंदे आने लगा। फिर गाइस यहाँ पर से फायरिंग होने लगा। एक बंदा उस वाले पत्थर के पीछे था, तो यहाँ पर मेरे पे फायरिंग हुआ और उसको मैंने इजीली नॉकडाउन कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो उसको ख़त्म कर देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर उसको ख़त्म करने आया उसका किल भी मेरे को मिल गया। उसके बाद देखना क्या होता है। देखो गाइस अब क्या ही बताओ तुम लोगों को। तुम लोग वीडियो को फिर से स्किप करके देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो क्या हुआ। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। सो ये थे छोटा सा वीडियो गाइस। अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज रोज लेकर रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।